14 कोसी परिक्रमा देखो सारे लोग जा रहे हैं। अच्छा घड़ी टूट गई, कुछ हुआ है? घड़ी टूट गई पुलिस वाले की। बॉयज एंड गर्ल्स कैसे सभी एकदम बढ़िया। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि बताते पहला करते हैं अपना एंट्रो। सो हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोड जॉकी रहते हैं। स्वागत करते हैं और नए वीडियो में। सीन्स ये था कि जब मैंने एक लास्ट वाला वीडियो जो डाला उसके बाद 2 व्लॉग और थे। हुआ ये कि मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, मैंने इंस्टाग्राम पे बताई थी, और 2 व्लॉग मैंने बनाया था, एक दिवाली के लिए उसके दूसरे दिन, और बहुत ही अच्छा मैंने व्लॉग शूट किया था। सारा व्लॉग धारा का धारा रह गया। मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे पता नहीं। मैं सुबह उसमें से वीडियो निकाला, जो लास्ट वाला व्लॉग है उसका वीडियो निकाला, एडिट किया, अपलोड किया। फिर शाम को मैंने सोचा कि चलो शाम को निकाल के अपन सारा वीडियो क्लिप एडिट करेंगे, तो उसके बाद अपन अपलोड कर देंगे। तो जब वीडियो क्लिप मैं निकालने के लिए गया तो फिर वो उसमें एरर दिखा रहा था, मेमोरी कार्ड एरर दिखा, तो मुझे लग गया कि भाई इसके काम लग चुके हैं, अब कुछ होने वाला नहीं। पहले दफ़ा मैं लग गया, फिर बार बार निकाल रहा था, मेमोरी कार्ड लगा रहा था कि हो सकता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम बता रहा हो, ऐसे कभी होता नहीं था। फिर फाइनली पता चल गया कि भाई ख़राब हो गया, मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। तो इसके लिए सारा जो वीडियो था वो ख़त्म हो गया, 2 व्लॉग मेरे चले गए ऐसे कि तैसे हो गई। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी मैंने इसमें डाल रखा है 64 GB का एक मेमोरी कार्ड, जो कि मेरे फ़ोन में लगा था। फ़ोन में कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों फ़ोन में 128 का स्पेस है दोनों फ़ोन में, तो अभी अपन काम चल जाता है अपना। तो इसके लिए अभी मुझे मेमोरी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ लेकिन वैसे मुझे लेना है 128 GB का, मुझे लेना, मैंने बोल रखा है, मिल जाएगा कुछ दिन के अंदर। उससे अपन व्लॉग करेंगे क्योंकि उसमें 4K रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, 2K भी अच्छी होती है। इसके लिए मुझे चाहिए, वो नीड है मुझे। बाय द वे अभी काम चल जाएगा अपना। सीन ये है कि मुझे जाना है आज फैजाबाद, क्योंकि कल है नबी का शादी, तो उसके लिए मुझे एक सूज चाहिए था। मेरे पास है वैसे 3 सूज है, लेकिन एक फिर भी चाहिए था। अपना कलेक्शन जो है ना वो बढ़ते जा रहा है, तो किस कपड़े पे कैसा सूज चाहिए वो मेरे को चाहिए। तो इसके लिए अपन जा रहे हैं फैजाबाद। अगर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो वैसे मैं श्योर नहीं रहता हूँ हर बारी जब भी जाता हूँ जूता लेने के लिए, क्योंकि मिलता नहीं है। इतना बड़ा फैजाबाद है फिर भी मुझे जैसा सूज चाहिए वैसा मिलता नहीं, ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन अभी का सीन हुआ कि मुझे अचानक से आता है कि हाँ लेना है यार, और फिर डिलीवर मुझे कल ही पहना है, तो इतनी जल्दी तो होगा नहीं डिलीवर। तो इसके लिए अपन जा रहे हैं, देखेंगे 2-4 दुकान ढूंढने के, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बाय द वे चलते हैं अभी, आज अपन करते हैं मोटो व्लॉग, क्योंकि बहुत दिन हो गया मोटो व्लॉग नहीं किया। अभी निकलते हैं बाइक पे, करते हैं मोटो व्लॉग। तो यहाँ पे अभी कुश्ती चल रहा है, तो इसके लिए इतना भीड़ है, और अब बहुत बाहर से लोग आए हुए हैं। ये जो बैनर पे देख रहे हैं ना, सीनियर नेशनल कुश्ती चैम्पियन चल रहा है, तो अभी चल ही रहा है अंदर। तो बहुत भीड़ है भाई, वैसे अपन जाते तो, लेकिन नहीं जाएंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं है फैजाबाद, और रास्ता होगा बंद तो हमको जाना पड़ेगा बाईपास, क्योंकि परिक्रमा चालू है तो इसके लिए रास्ता बंद होएगा। हमको बाईपास घूम के जाना पड़ेगा अंदर से, बिल्कुल रास्ता तो बंद ही होगा सब तरफ, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा है। नहीं है बैग में, क्या है उसमें? नहीं है, कुछ नहीं है, जैकेट है, जैकेट नहीं, जैकेट हैंगी नहीं है, ये यहाँ पे बांधा उसको। बाईपास अपन जाएंगे, सही रहेगा एकदम, बाईपास निकल जाएंगे, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा, और हर शॉर्टकट पे वो परिक्रमा का रास्ता जो है ना आता ही है। तो मैंने चाहता कोई लफड़े में पूछो, सीधा हाईवे मारो, बढ़िया रहेगा, अपन कोई टेंशन नहीं चाहिए। और देखते हैं शूज़ आज मिलता है कि नहीं, क्योंकि जैसे मुझे चाहिए ना वो शूज़ यार मेरे को बहुत पसंद है वैसा, और मुझे थोड़ा लॉन्ग बूट पसंद है। संजय भाई के बाल बेकार हो गए, हाँ पीछे संजय भाई है देखो, अगर थोड़ा सा अभी टेंशन में है तो मूड फ्रेश करते हैं हम। बहुत ज़्यादा अभी भी ट्रैफिक है यहाँ लग रहा है इस पर भी, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो है ना वो सीधा बाईपास होके निकल रही हैं, अंदर से जाने कोई मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है, रास्ता बंद है। तो इसके लिए सारी गाड़ियाँ जितनी भी बड़ी छोटी सब इधर से ही जा रही है। ठंड तो चालू हो गई है, बढ़ चुकी है ठंडी। मैंने जैकेट रख लिया है, एक चीटर रख लिया है, शाम को आते वक्त पहनूंगा। अभी तो नहीं, अभी तो गर्म धूप है तो गर्म लगेगा, तो शाम को तो भाई ठंड लगेगी आने के टाइम पे, तो शाम को अपन पहन लेंगे आने के टाइम। हाँ नबी की जो शादी है वो कल है, और कल यही पास में ही है, तो एग्जैक्टली पता नहीं कि कहाँ जाना, तो मुझे लोकेशन भेज देगा नबी बोला, मैं पहुँचूँगा वहाँ पर। सो ये सारी जितनी भी भीड़ है ना सब परिक्रमा वाले हैं लोग, देखो कितना भीड़ है, और रास्ता अंदर से जाने के लिए इधर से बंद है, अयोध्या अंदर नहीं जा सकते, तो बाईपास ही जाना मिलेगा। पानी में तैर के जा रहा है भाई, पानी में तैर के चलो। अबे देख यहाँ तक भी लग गया ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ लगवा दिए हैं योगी हमारे। लेकिन अच्छा जब बड़ा हो जाएगा ना तो मस्त दिखेगा वे, एकदम बढ़िया दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे अपन दुबई में, क्योंकि दुबई में ऐसे सड़क किनारे बहुत ही मिलता है ना, ताड़ का है या खजूर का, किस चीज़ का है, शायद ताड़ का क्या, किस चीज़ का पता ही नहीं मेरे को। वाह मोदी जी वाह, ये बिरादर है ना, मोदी जी का बिरादर है ये, तेली अपना भाई, मोदी जी की तेली तो बिरादर 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 बोलता है, खून बोलता है खून। तो ये है 14 कोसी परिक्रमा, देखो सारे लोग जा रहे हैं। ये आई थिंक 40 किलोमीटर का होता है, 40 से ज़्यादा होता है। तो ऐसे 40 किलोमीटर ये लोग पूरा अयोध्या कवर करेंगे और फैज़ाबाद कवर करेंगे। देखो कितनी भीड़ है, ऐसे घूम के पूरा चक्कर मार के फिर पहुँचेंगे अयोध्या, फिर इनका परिक्रमा होगा ख़त्म। यार अपन ये नहीं किया, अपन पंच कोसी परिक्रमा किए हैं, वो 15 किलोमीटर का होता था, बहुत किया मैंने बचपन में, तो उसके बाद छोड़ दिया। मुझे जब ऐसा लगा यार कि अब नहीं करना चाहिए तो मैंने छोड़ दिया, बस ऐसे ही। यहाँ पे इतने पुलिस है, अच्छा कहीं जा रहे होंगे थोड़ा रेस्ट मारने के लिए कैसा। तो देख रहे भाई बहुत लंबा ये होता है, घूम के पूरा। अभी यहाँ पे दिखे हैं, अभी यही आगे भी दिखेंगे। भाई ये सामने फैक्ट्री दिख रहा ना, ये पार्ले जी बिस्किट की, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, ऐसा मन कर रहा है कि उठा के खा ले ना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये पूरा एरिया महकता है भाई। तो आया था बजाज फाइनेंस में आया था, थोड़ा काम था, काम हो गया, अभी अपन इधर से निकल रहे हैं। पंगा पुंगा करे होंगे। अच्छा घड़ी टूट गई, कुछ हुआ है, घड़ी टूट गई पुलिस वाले की। हाँ वो टूटा हुआ घड़ी दे रहा था। मुझे नहीं लगता कहीं पे मिलेगा यार, साला पहले ही नर्वस हो जाता हूँ। ऐसे चाहिए कुछ टाइप में, नहीं है इनके पास, बोल रहे हैं। क्या करें, ये एक दुकान हो गया, जैसे कई दुकान घूमने पड़ेंगे क्या यार, नहीं मिलेगा तो। ये नाम बड़े दर्शन छोट भाई, जूता तो इनके पास है शूज़, लेकिन जैसा मेरे को चाहिए वैसा नहीं है। तो अपन और 2-4 दुकान पे मारते हैं नज़र। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, इतनी काहे के लिए भीड़ है समझ में नहीं आया। अरे भाई साहब भीड़, ये फैजाबाद का चौक। भैया बूट चाहिए था हमको, ब्लैक में मिलेगा? नहीं ऐसा नहीं, चलो कोई नहीं। तो एक दूसरा शोरूम नज़र मार ले यार। आपके पास केवल स्पोर्ट्स शूज रहते क्या? आर्टिकल तो अच्छे में, अपन दूसरे दुकान पे गए, वहाँ पे भी शूज देखने के लिए मिलता है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। इधर भी इतने सारे पलट के गए दिखा के, कोई समझ में नहीं आया शूज, कोई देखते हैं समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो स्पोर्ट्स शूज़ ले लेंगे अभी, देखते हैं अपन। सो भाई ने 3-4 शूज़ दिखाई है, ये मुझे एक भी नहीं मज़ा आ रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा लगा बट मज़ा नहीं आ रहा है। तो अपना एक जूता फाइनल हो गया है, अभी दिखाते हैं। ये है, लेने आए थे कुछ और ले लिए कुछ, यही सब मिल के हम लोग को दिला दिया। भाई इधर घूमो जरा, हाँ यही लड़का सागर भाई है। गाइस हाय हाय कर दो, हेलो गाइस, चाय पी लो, चाय ना पियो। चलो ब्रदर भाई, जयराम भाई। चलो सारा काम हो गया, मुश्किल से मेरा 1 घंटे का काम था। ये हर बार यही होता है कि ज़्यादा काम नहीं है, 1-2 काम है बस, फटाक से करके आ जाएंगे, लेकिन वो काम ना इतना भारी पड़ जाता है, एक काम करने में ही 1 घंटा ले लेता है। कोई नहीं, काम हो गया। शूज़ हमने जैसा चाह रहा था वैसा तो नहीं मिला शूज़, बट अभी क्या कर सकते। देखो ठंड लग रही थी भाई बाइक चलाने में, अब सही है। बहुत ज़्यादा हवा लग रहा था और सर्दी है तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गया मेरा। सो जैसे अपन घर पे आते हैं ना, ये देखो ऐसे गोद में चढ़ जाते हैं, और अभी अपन ने बैग तक नहीं उतारा और ब्रूनो देखो गोद में बैठ गया है ना ब्रूनो। वो नहीं देखो, ये ऐसे गोद में चढ़ जाते हैं और इतना भारी हो गया, इतना ज्यादा भारी है कि पकड़ ही पाता हूँ मुश्किल से। 10 मिनट या 5 मिनट में हाथ दुखने लगता है, बहुत भारी हो गया है ना ब्रूनो। और देखो कैसे ये खुद एकदम चपक के बैठे रहते हैं ऐसे ऊपर। चलो बैग उतारने दो। बोलो तो अभी का सीन है कि मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि अपन को जिम थोड़ा सा कंटिन्यू करके रखना है, तो जिम छोड़ नहीं सकते, तो अभी जाना है जिम, जिम करके आना है, फिर करेंगे ब्लॉग को एंड। अभी फटाक से जाते हैं जिम करके आते हैं। और हाँ, मेरा जो सूज है वो एज कैन सी यहाँ पर रखा है, 3 के 3 सूज है, डिब्बे में ही है। ये वो वाला सूज है जो मैंने लिया था जैसे एम एस के भाई के पास होता, और ये वुडलैंड वाला ऊपर नया वाला। तो 3 सूज अभी जो कि डिब्बे में है, एक सूज मैंने नया लिया है। कोई बात नहीं, ऐसे अपन कलेक्शन बनाते रहे, क्योंकि मुझे 2 ही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, एक जीन्स और एक शूज़। मुझे सबसे ज़्यादा यही 2 चीज़ पसंद है, इसके लिए मैं कलेक्शन बना रहा हूँ कि अपने पास चॉइस होना चाहिए, चॉइस। तो ऐसे करते हैं, आते रहेंगे यार। नहीं अभी चलते हैं, फटाक से जिम करके आते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, फिर बताते हैं और क्या क्या सीन है। फटाक से चलते हैं जिम पहले। तो आज अपनी जो एक्सरसाइज है वो है बाइसेप्स, तो आज जम के कर रहे हैं वर्कआउट। और वैसे थका था, लेकिन अभी अरे भाई थका था, लेकिन पीने के बाद, पानी पीने के बाद, एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ चुकी है, तो अपन जाके तोड़ देंगे आज। बस अपना वर्कआउट हो गया, बाइसेप्स एकदम टाइट हो गया है, मज़ा आ गया करके। अभी इधर भाई जी लगे हुए हैं। तो मैंने जो सूज लिया ना, तो डैडी का रिएक्शन गुस्सा ही है कि हमने जूता लेके आया, हमको घर यार है, कह रहे बनाओ सार वीडियो। ये हमारा ब्रूनो है। अभी जिम वगैरह अपना हो गया, अब खाना खाएंगे, वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, बाकी सब बढ़िया। बाबा टेकी शबक है, राडिगोज एमिगोज। और हाँ, जिन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो फटाक से फॉलो करो। बाय बाय, गुड नाइट।